तो जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। ये आंटी जी आए थे और इनको नहीं पता था, मतलब कभी देखा हुआ नहीं है बेसमेंट में घर कैसा होता है। तो ये यहाँ पर झुक कर देख रहे थे और बहुत मतलब इन्होंने होता है ना सरप्राइज होना बंदा, ऐसे कुछ इन्होंने रिएक्शन दिया था। और उसके बाद में ये देखो लगन लेकर आ चुके हैं, मतलब टीका बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो टीका आ चुका है। अब बस थोड़ी देर बाद में जो प्रोग्राम था वो शुरू हो जाएगा। पहले आते ही वो जो होता है ना नाश्ता वगैरह देना, तो वही सब कुछ होने वाला है। अभी नाश्ता लगा रहे हैं, वैसे लग चुका था, बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट बाकी थे वो कर रहे थे, चेयर वगैरह इधर उधर करके पोच करके। क्योंकि आज पता है क्या हुआ, सुबह बहुत भयंकर बारिश हुई है, भयंकर क्या बताऊँ आपको, बिजली भी गिरी है और हमारे ही किसी नज़दीकी के घर पर गिरी है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आगे की वीडियो में बिजली गिरना, आपने देखा होगा आसमान में बिजली कड़कती तो देखी होगी लेकिन गिरी भी नहीं देखी, गिरी भी मैं दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो बहुत भयंकर बारिश हुई थी एक बार के लिए, तो डर गए थे सब लोग कि शादी इतना बड़ा प्रोग्राम है आज, इतने अरेंजमेंट्स हुए हैं तो क्या होगा, सारे गेस्ट आज आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें सोचकर डर गए थे। आगे वीडियो में रुके रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो जी लगन वाले भी आ चुके हैं, भात वाले भी आ चुके हैं, भात तो वाले तो अपने इधर ही बैठे हैं भात ही तो, और हमारे आपके शर्मा जी रेडी हो रहे हैं, लगन लिया जाएगा ना तो पंडित जी का काम करने के लिए कुर्ते पजामे पहन रहे हैं, भागते से आए, सुबह मैंने इनको पहनने नहीं दिया, इनका टाइम पे पहनना है क्योंकि दाग लग जाते हैं ना, फिर काम वाम में दाग लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ये सोच के। तो अब ये रेडी हो गया जाते हैं, और मैंने कैमरा कई दिन बाद दोबारा से उठाया फिर से, ठीक है। दिखाओ एक बार, वैसे एकदम अंडे लग रहे हैं बाल, सही ही बोल रही थी। हाँ बंटी अंकल बुला रहे हैं पापा को। बस होगा, और की चाहिए, फोन चाहिए, नौ मेरा विवाह। वाह पापा वाह, क्या फुलता है, इसकी क्वालिटी का लगा लो भाई पापा। तो यहाँ पर बस टीके का जो प्रोग्राम था ना वो शुरू हो चुका, और इसी टाइम पर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मतलब सोच कर देखिए, इतना सब कुछ हो रहा हो, इतना अरेंजमेंट्स हुए हों और बूंदाबांदी शुरू हो जाए, मतलब एक बार इतना घुट कर आया था, एक बार तो डर ही गए थे कि अब सारी सब कुछ बह जाएगा ऐसे पानी में, लेकिन भगवान ने सुन ली। बस ये होता है ना कि सब लोगों की दुआएं काम आती हैं, लेकिन जो मॉर्निंग में जो बारिश हुई थी ना उसने बस बहुत सारा नुकसान किया है। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था बिजली तक गिरी है अपने ही किसी नज़दीकी के घर पे, तो इतना नुकसान उसका हुआ है। तो यहाँ पर ये टीके का प्रोग्राम चल रहा था साइड में, नैनी ने ये वाला शूट किया था, और यहाँ पर ये भैया जो है ना इनका टीका हो चुका था, और अब उसके बाद में सबका आशीर्वाद ले रहे थे। मैं यहीं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पर बुला रहे थे बुआ वगैरह सब इनको, तो जी यहाँ पर बस अब खाना शुरू हो गया था, खाना खा रहे थे सब लोग। मेरे को नैनी ने कहा मम्मी आप भी खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी अभी, क्योंकि शर्मा जी जो है ना वो थोड़ा सा बिजी थे साइड में कहीं पर। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था,
वैसे सारा अरेंजमेंट ही बहुत अच्छा था, और बाद में मैंने ना चेंज कर लिया था, मैंने काफ़ी लेट चेंज किया पता है मेरा। एक बार तो आप लोग जानते हो मन एकदम आलस में था। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाने में क्या था। तो इधर तो ये चपातियाँ बनी रही है, और यहाँ पर दाल, और यहाँ पर भी एक टाइप की दाल ही थी, और यहाँ पूड़ी वगैरह, और इधर गाजर का हलवा। कई डिशेज जो थे ना वो सिलेक्टेड थी। गुलाब जामुन बहुत टेस्टी थे, मेरे फेवरेट हैं, गर्मा गर्म थे तो बहुत टेस्ट आ रहा था। और उसके बाद में यहाँ पर काजू कतली, ये पुलाव जो कि मैं हर एक शादी में ज़रूर खाती हूँ, यहाँ पर मिक्स वेज, यहाँ पर शाही पनीर, मटर पनीर, और यहाँ पर दही बड़े, और यहाँ पर चाउमीन, और एक पानी पूरी उधर। तो बस ये है, ये चीज़ें पहले मैंने खाने वाली दिखाई आपको। पता है आप लोग जानते हो मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो शुरू में तो मैंने सोचा था चेंज नहीं करेंगे। टिक्की के टाइम पे मैंने वही साड़ी रखी, लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद में जैसे ही प्रोग्राम ये टिक्के वाला ख़त्म हुआ और फिर डांस वांस शुरू हुआ ना, तो उसके बाद में दिमाग में आया कि नहीं यार मैं भी चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर शर्मा जी जो आते हैं ना बांध भरवाने के लिए आते हैं, तो बांध वगैरह का लिखने का काम चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नैनी ने शूट किया था, मैंने नहीं किया था। और ये नैनी देखो अपने पापा के बाल दिखाएं आप लोगों को, पसीने आए हुए इनके, बहुत देर इन्होंने डांस किया था, जिसमें मैंने छोटी सी क्लिप तो लगाई है, और कॉफ़ी भी काफ़ी टेस्टी थी ये देखो। और कॉफ़ी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं शूट कर रही हूँ ना, बहुत सारी बिखेर के भी गए हैं ये लोग, और अभी खाए जा रहे हैं दही बड़े। और आप लोग मेरे बताना मेरी झुमकी कैसी लग रही, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर ट्राई किए इसी शादी में, मैं कभी नहीं पहनती। तो मैंने सबसे पहले बस ये दो प्लेट दही बड़े की खाई थी, जो होते हैं ना क्या बोलते हैं स्नैक्स में गए में बोल सकते हो, या फिर खाने के अलावा एक्स्ट्रा में जो खाते हैं वो। तो यहाँ पर चम्मच खो गई थी मेरी, मैंने कहा एक चम्मच और लेकर आ। और मेरे भरोसे तो कोई व्लॉग शूट होने वाला नहीं था, बस ये नैनी के हाथ में फ़ोन था ना, तो इसने क्लिप्स निकाल दिए। यहाँ पर दही बड़े लेने आई है शायद, नहीं चम्मच लेने आई है। ठीक है, मैंने कहा चम्मच और लेकर आ। फिर मैंने इससे खाना भी खाया ना, उस टाइम पर भी इसने मेरा प्रॉपर व्लॉग शूट किया है, नहीं तो मेरा प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं होता। क्योंकि आप सबको पता ही है मैं शुरू तो कर देती हूँ लेकिन ख़त्म नहीं कर पाती, हमेशा रह जाता है। और ये एक प्लेट इसने और दही बड़े की लगा ली, ये पता नहीं क्यों मेरे को, वैसे मैं नहीं खाती हूँ शादी से, ऐसे कोई घर में प्रोग्राम होता है जब मुझे अच्छा नहीं लगता इस टाइप से कोई भी चीज़ खाना, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ मैंने कहा जा तू दही बड़े ला के दे मेरे को, और फिर मज़े से। और मेरा एक चीज़ और बताऊँ, मुझे हेयर स्टाइल करना नहीं आता, तो मैंने बालों को गोल गोल कर करके और गर्मी से जुड़ा होता ना वही नींबू ले, नींबू ही खाएंगे। खाने भी नींबू ही ले रहा खा, रोटी पचा रहे हो है ना, घनी खाली लगे। मैं दो तीन बार तो खा ली, चौथी बार जा रही हूँ।
तो जी ठीक है, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो।